आगरा में ताजमहल से कुछ ही दूरी पर एक अनोखे सूर्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इस मंदिर की खासियत यह है कि दिन के समय सूर्य की किरणें ही मंदिर के भीतर स्थापित भगवान भास्कर की मूर्ति और भवन को प्रकाशित करेगी। इसका निर्माण ताजमहल से कुछ ही दूरी पर स्थित आवलखेड़ा में किया जा रहा है। इसके साथ ही ब्रह्म कमल का निर्माण भी किया जा रहा है। दो तलों में बन रहे इस मंदिर की खासियत इसमें लगाया जाने वाला लेंस होगा, जिससे सूर्य की किरणें मंदिर के भीतर पहुंचेंगी और सूर्योदय से सूर्यास्त तक मंदिर सूर्य की रोशनी से ही प्रकाशित रहेगा। सूर्य मंदिर तो शायद बहुत कम बने हैं और कोणार्क में बने हैं, इसके अलावा तो हम नहीं समझ रहे कि और कहीं बने हैं। लेकिन यहाँ की विशेषता है, यहाँ क्रिस्टल जो लगाया गया है, क्रिस्टल के द्वारा सूर्य भगवान के उगते हुए सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और उससे रिफ्लेक्ट हो करके वो मंदिर में आएगा। सूर्य सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सूर्य का प्रकाश निरंतर मंदिर में आता रहेगा। तो ताज नगरी के पास आवलखेड़ा गांव में अनोखे सूर्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और इस मामले में अधिक जानकारी के साथ अजेंद्र चौहान हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की क्या कुछ खासियत है। ये जो मंदिर है, ये आवलखेड़ा में स्थित है, जो गायत्री विद्यापीठ है उसके पास ही ये आवलखेड़ा में, करीब आगरा से 30 किलोमीटर दूर ये अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक जो है श्री राम शर्मा आचार्य जी की जन्मस्थली आवलखेड़ा है, वहाँ ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो ये सूर्य मंदिर पहला बनाया जा रहा है कि इसमें जो क्रिस्टल लेंस है उसके जरिए जो सुबह की जो किरणें होती हैं और उसमें जो भगवान जो ब्रह्म कमल का जो उसमें निर्माण किया गया है, उसके साथ ही यहाँ जो सुबह जो सुबह की जो किरणों का जो उससे जो मूर्ति होगी भगवान के ऊपर जो आएगी किरणें, तो वो सुबह की जो सुबह की किरणें होती है, खासतौर से क्रिस्टल लेंस के ऊपर इस मंदिर की खासियत है कि ये एक ऐसा पहला मंदिर होगा जो वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। इसमें सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब किया जाएगा, जो यहाँ वैज्ञानिक तरीके से ही पूरा मंदिर का जो सिस्टम है, पूरा जो ढांचा है, उसी तरह से तैयार किया गया है कि सुबह की किरण करने के बाद जब मंदिर में ये प्रकाशित की जाएंगी तो जो प्रकाश जो सुबह पड़ेगा उसमें, तो वो मंदिर सुबह की किरणों का ही पड़ेगा, ना कि उसमें ऐसा नहीं है कि कोई लाइटिंग का जो प्रकार होगा। तो साफ तौर से एक बड़ा ही विख्यात मंदिर बनाया जा रहा है और इस संस्था में काफी सालों से ये मंदिर बन रहा है, तो माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इसका मंदिर का पूरा काम हो जाएगा। जी अजेंद्र, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर हम इतिहास पे देखें तो पुराने काल में जिस तरह से सूर्य महल या चंद्र महल का निर्माण कराया जाता था, यानी कि सूर्य की रोशनी या चंद्र की रोशनी से ही पूरा महल उजाला रहता था, कुछ उस तरह का नजारा इस सूर्य मंदिर में देखने को मिलेगा। मंदिर है ये आध्यात्मिक ऊर्जा ही नहीं है बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी आकर्षण का केंद्र होगा, क्योंकि लोग यहाँ दूर दराज से देखने के लिए आएंगे, क्योंकि इसको क्रिस्टल लेंस की जो खासियत होगी ये एक पर्यटन नगरी में भी आगरा को बढ़ावा देगी, क्योंकि कोणार्क मंदिर के अलावा जो आगरा में ये जो सूर्य मंदिर बन रहा है तो कहीं ना कहीं पर्यटन के लिए भी आगरा के लिए एक बेहतर साबित होगा। जी जी अजेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगरा के आवलखेड़ा में एक अनोखे मंदिर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो कि सूर्य की रोशनी से ही रोशन होता रहेगा।